हेलो। हाँ शिवम, ये घटना बहुत दुखी करने वाली है। हम एकदम बहुत ही ज्यादा हम दुखी हैं। हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। जब से हमने सुना है तब से लगातार हम कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं। सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर FIR दर्ज हो गई है 302 की। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तू हमारे परिवार के सदस्य हो। ब्राह्मण हत्यारी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गरीब विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कानपुर अग्निकांड में मानवीयता को लेकर सीधे सवाल प्रशासन और सरकार पर है। एक तरफ जहां प्रशासन की इस कार्रवाई पर पूरे प्रदेश में आक्रोश फैल रहा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी BJP सरकार को ब्राह्मण विरोधी बताने में जुटी हुई है और अब इसे अलग राजनीतिक एंगल देने में जुट गई है। मंगलवार को समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर कानपुर की घटना को जातिवाद से जोड़ दिया। अब बात ब्राह्मण की थी तो सरकार की तरफ से ब्राह्मण नेता को ही जवाब देना था। ऐसे में डैमेज कंट्रोल की जिम्मेदारी दी गई प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक को। मंगलवार को डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने वीडियो कॉल के जरिए सीधे पीड़ित परिवार से बात की। हेलो। हाँ शिवम, ये घटना बहुत दुखी करने वाली है। हम एकदम बहुत ही ज्यादा हम दुखी हैं। हम पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं। जब से हमने सुना है तब से लगातार हम कार्रवाई करने के लिए काम कर रहे हैं। सारे जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर FIR दर्ज हो गई है 302 की। हम कड़ी कार्रवाई करें, किसी को नहीं बख्शेंगे। तू हमारे परिवार के सदस्य हो। हालांकि घटना से पहले पीड़ित परिवार और ब्रजेश पाठक का जो भी रिश्ता रहा हो, घटना के बाद पीड़ित परिवार ब्रजेश पाठक का अपना परिवार हो गया। बता दें कि कानपुर के महोली गांव में हुई अमानवीयता के बाद विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में लगा है। साथ ही इस घटना को अब जातीय मोड़ देने की भी कोशिश की जा रही है। मंगलवार को ट्विटर पर सरकार को घेरने के बाद समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिलने के लिए निकला, जहां प्रशासन ने उन्हें रोक लिया। इसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन भी किया। ब्राह्मण हत्यारी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गरीब विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हालांकि सरकार के तरफ से पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात भी की जा रही है। वहीं इस मामले में अब तक जिम्मेदार अधिकारियों सहित दर्जन भर से अधिक लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर। खून तरंगने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।